हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर हम अपने डेली लाइफ में इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज करते हैं, जैसे क्या आप रोने लगते हो, क्या आप टीवी देखने लगते हो, क्या वह खेलने लगता है। सो गाइस, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सो दोस्तों, इस टाइप के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट प्लस वर्ब की फर्क फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो गाइस, स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले आपको यूज करना है डू या डज दोनों में से किसी एक को, फिर इसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, फिर इसके बाद स्टार्ट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्क फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सो गाइस, अब बात आती है कि किसके साथ हम डू का यूज करेंगे और किसके साथ हम डज का यूज करेंगे। सो दोस्तों, सब्जेक्ट यदि आई वी दे यू और प्लूरल हो, जैसे योर ब्रदर्स माय सिस्टर्स हिज पेरेंट्स आर डॉटर्स, तो इनके साथ हम डू का यूज करेंगे। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही सी इट योर ब्रदर माय डॉटर हिज सन आर डॉटर, तो इनके साथ हम डज का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप रोने लगते हो, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है डू या डज दोनों में से किसी एक को। तो सब्जेक्ट हमारा है यू और यू के साथ हम यूज करेंगे डू, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, फिर इसके बाद हमें यूज करना है स्टार्ट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब है हमारा रोना यानी क्राइम। क्या आप रोने लगते हो, डू यू स्टार्ट क्राइंग। नेक्स्ट, क्या वह खेलने लगता है, तो सबसे पहले हमें यूज करना है डू या डज में से किसी एक को। तो सब्जेक्ट हमारा है ही और ही के साथ हम यूज करते हैं डज, डज ही, फिर इसके बाद स्टार्ट, फिर इसके बाद हमें पुट करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब है हमारा प्ले यानी प्लेइंग। क्या वह खेलने लगता है, डज ही स्टार्ट प्लेइंग। नेक्स्ट है, क्या आप टीवी देखने लगते हो, तो सबसे पहले हमें यूज करना है डू या डज में से किसी एक को। तो सब्जेक्ट हमारा है यू और यू के साथ डू, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद स्टार्ट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारा वॉच, वॉचिंग टीवी। क्या आप टीवी देखने लगते हो, डू यू स्टार्ट वॉचिंग टीवी। क्या आप पढ़ने लगते हो, डू यू स्टार्ट स्टडिंग। क्या वह बात करने लगता है, डज ही स्टार्ट टॉकिंग। क्या वह नाचने लगता है, डज ही स्टार्ट डांसिंग। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू।